वर्मी कंपोस्ट जिसे वॉर्म कंपोस्ट, वर्मी कास्ट, वॉर्म कास्टिंग्स, वॉर्म ह्यूमस, वॉर्म मेन्योर और क्वीन ऑफ कंपोस्ट भी कहा जाता है। अर्थवॉर्म जैविक वेस्ट मटेरियल्स को डीकम्पोज करके ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादित करते हैं। अर्थवॉर्म यानी केचुए अपने खाए गए भोजन का सिर्फ 2% भोजन ही पचा पाते हैं और लगभग 98% भोजन बाहर यानी वेस्ट के रूप में त्याग देते हैं। अर्थवॉर्म वेस्ट यानी मल को हमेशा प्राकृतिक खाद के रूप में माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक पोषण युक्त खाद, प्राकृतिक उर्वरक और मिट्टी के लिए कंडीशनर है, इसीलिए केचुए को किसान का मित्र और धरती की आंत कहा जाता है। ये भूमि की अन्य परतों में फैला रहता है जिससे धरती मुलायम और हवादार होती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। केचुए के पेट में जो रासायनिक क्रिया होती है उससे मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इस कंपोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया को वर्मिन कंपोस्टिंग कहा जाता है। केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। ये गंध रहित होने के साथ साथ मक्खी मच्छर आदि को भी दूर रखता है। सभी परिस्थितियां अनुकूल होने पर केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने में बन जाती है, जिसमें पौधों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, फास्फोरस और मैग्नीशियम आदि मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं व अन्य तत्व, लौह तत्व, जस्ता और मैग्नीज इत्यादि भी मिलते हैं। इस खाद के लिए सबसे आवश्यक कार्य है सही केचुओं का चुनाव। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए सेप्रोफिगस वर्ग के होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेट्रिटिवोर्स, ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेटी रंग और चपटी पूंछ के होते हैं। इनका उपयोग खाद बनाने में होता है। इनको ह्यूमस किसान केचुए कहा जाता है। दूसरा जियोफेगस, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और रंगहीन और सुस्त होते हैं। ये ह्यूमस और मिट्टी का मिश्रण बनाकर मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। केचुआ खाद तैयार करने की विधि, सबसे पहले रेत पर आसानी से अपघटित हो जाने वाले सड़नशील पदार्थ, फसल के पत्ते या अवशेष की 2 से 5 इंच परत बनानी चाहिए। अब सड़नशील परत पर 2 से 3 इंच गोबर की खाद की परत बनानी चाहिए। अब इसमें केचुओं को डालें और फिर से पत्ते या फसल के अवशेषों की 7 से 9 इंच की परत बनाएं। इसको समतल करके 2 से 3 इंच गोबर की परत बना दें ताकि तेज धूप या बारिश से बचाव हो सके। गोबर की परत पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहें ताकि नमी बनी रहे, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा पानी डालने से बेड में हवा रुक सकती है जिससे केचुए और जीवाणुओं को सांस लेने में समस्या हो सकती है। बेड या गड्ढे के तापमान पर विशेष ध्यान रखें, जिसका तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। 7 से 10 दिन में बेड को पलटते रहना चाहिए और ठोस पदार्थ को हाथ से तोड़ देना चाहिए। अब आपको 1 महीने के बाद बेड में छोटे छोटे केचुए के अंडे नजर आने लगेंगे, जिससे केचुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। 45 से 50 दिन बाद पानी का छिड़काव बंद कर दें। 1.5 से 2 महीने में इसकी खाद बन जाती है। इसमें मिट्टी जैसी सोंधी गंध आती है और दिखने में चाय के पाउडर जैसी होती है। खाद निकालते समय छोटे छोटे ढेर बना दें ताकि केचुए नीचे चले जाएं। हमेशा खाद को हाथ से ही अलग करें, फावड़ा या अन्य किसी ठोस यंत्र का प्रयोग ना करें। केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक बातें, आवश्यक पदार्थ। केचुआ खाद बनाने में उपयुक्त होने वाले सभी पदार्थ गलनशील और सड़नशील पदार्थ होने चाहिए। ठोस पदार्थ, कांच, पॉलिथीन और धातु जैसी कोई भी वस्तु मिश्रण में ना डालें। सबसे अच्छी खाद बनाने के लिए खाद का तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। केचुओं की बेहतरी के लिए खाद का तापमान कभी भी 48% से अधिक ना हो। आर्द्रता स्तर 65 से 70% पर बनाए रखना चाहिए। नमी को बनाए रखने के लिए बेड को बैग या मोटे कपड़े से ढकना चाहिए।
जो बेड आप केचुआ खाद के लिए तैयार कर रहे हैं वो छायादार व हवादार स्थान में होना चाहिए। डायरेक्ट सूर्य की किरणें केचुओं को हानि पहुंचा सकती हैं। चींटी या अन्य कीड़े केचुए के दुश्मन होते हैं। आपको ये सुनिश्चित करना है कि चींटी या अन्य किसी प्रकार का कीड़ा बेड की पहुंच से दूर रहे। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के पीएच को रिपेयर करती है। अन्य केमिकल फर्टिलाइजर से किफायती होती है। वर्मी कंपोस्ट बीज के अंकुरण से लेकर जड़ों की वृद्धि और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में माइक्रोजीवों, हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स, गिब्रेलिक एसिड, एंजाइम जैसे फॉस्फेटेज, सेल्यूलेज आदि की मात्रा को बढ़ाता है। केचुओं के मल में पेरीट्रॉपिक झिल्ली होती है जो जमीन से धूल के कणों को चिपकाकर जमीन का वाष्पीकरण होने से रोकती है। केचुआ खाद जमीन में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है और भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करती है। वर्मी कंपोस्ट में गोबर के खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम तथा अनेक सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार केचुए 2 से 250 टन मिट्टी प्रतिवर्ष उलट पलट कर देते हैं। केचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेष एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों के लिए देशी खाद का काम करती है। केचुओं द्वारा भूमि की उर्वरता यानी फर्टिलिटी, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को लंबे समय तक अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलती है।